नमस्कार। सोयाबीन में बीज जमाव एक बड़ी समस्या है। हम 70% से अधिक जर्मिनेशन वाले बीज को बुआई के लिए उपयुक्त मानते हैं, जबकि वास्तव में फील्ड कंडीशन में 50% के आसपास ही बीज उग पाता है, और यही कारण है कि 80 किलो प्रति हेक्टेयर की जगह किसान इससे दोगुना यानी कि 150 किलो बीज प्रति हेक्टेयर बोने के लिए मजबूर है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोयाबीन में इतना कम जर्मिनेशन परसेंट क्यों होता है और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सोयाबीन का बीज खेत से निकलने के बाद जितना पुराना होता जाता है उसका जर्मिनेशन परसेंट भी उतना ही कम होता जाता है, विशेषकर थ्रेसिंग के 3 महीने बाद, क्योंकि सोयाबीन बीजों में धीरे धीरे फॉस्फोलिपिड्स और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम होने लगते हैं। मतलब हमें बुआई के लिए बहुत पुराना पड़ा हुआ बीज काम में नहीं लेना चाहिए। यदि हमारे सोयाबीन स्टोरेज का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक और अंदर के वातावरण में 60% से अधिक नमी है तो बीजों का जर्मिनेशन कम हो सकता है, यानी कि सोयाबीन बीजों को ठंडे व कम नमी वाली जगह स्टोर करना चाहिए। आपने देखा होगा उच्च गुणवत्ता वाले बीज जैसे न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड को वैज्ञानिक ज्यादातर ऐसी गोदामों में स्टोर रखते हैं। कंबाइन से कटाई करने या थ्रेसर को ब्लेड लगाकर स्पीड में चलाने पर बीजों में डैमेज होता है, जिससे जर्मिनेशन परसेंट कम हो सकता है। इसलिए बीज वाली सोयाबीन को हाथों से कटवाना ज्यादा उचित रहता है और थ्रेसर को 350 से 400 RPM पर ही चलाना चाहिए। सोयाबीन निकालने के बाद 3-4 दिन धूप में सुखाकर नमी का स्तर 10% से कम पर ही स्टोर करें। स्टोरेज में 4 से 5 बोरियों से ज्यादा स्टैकिंग न करें। नीचे प्लेटफॉर्म जरूर रखें ताकि नीचे से नमी न जाए, और कभी भी सोयाबीन बैगों को ऊपर से नहीं पटकना चाहिए। सोयाबीन बैगों को ऊपर से पटकने पर बीजों का आवरण टूट जाता है और इससे 10% तक जर्मिनेशन परसेंट कम हो सकता है। इन 5 बातों का ध्यान रखकर आप सोयाबीन बीजों का जर्मिनेशन ही नहीं बल्कि सीड विगर यानी कि बीज ओज भी बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पौधे ज्यादा उगेंगे, पौधा स्वस्थ व ओजपूर्ण होगा। आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। जय हिंद।